भाजपा मुख्यमंत्री पद के दावेदार एवं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दोपहर बाद यहां पर पहुंचकर विधिवत इस घोषणा पत्र को जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की अलग से पहचान बनेगी। इससे पहले यहां पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का सुजानपुर भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अपने घोषणा विजन डॉक्यूमेंट में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सुजानपुर के ग्राउंड को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सुजानपुर के टेरा महल और किले को पुरातत्व विभाग की सहायता से एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। सुजानपुर में मल निकासी योजनाओं को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा खराब पाइपों की जगह नई पाइपें बिछाई जाएंगी। शराब एवं ड्रग की लत से पीड़ित युवाओं की मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सुजानपुर से कॉलोनी तक के क्षेत्र में स्टोन दीवार लगाई जाएगी ताकि ब्यास नदी से पानी की कृषि भूमि की ओर न आए और बाढ़ की समस्या का समाधान हो। बंदरों एवं जंगली जानवरों के आतंक से निपटने के लिए क्षेत्र में विशेष कार्य दल का गठन किया जाएगा। कृषि क्षेत्रों की रखवाली के लिए खेतों में सुरक्षा गार्ड लगाने के अभियान चलाए जाएंगे ताकि आवारा पशुओं को कृषि क्षेत्र से दूर रखा जाए। विद्यालय के समय अनुरूप बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएचसी सुजानपुर में विशेषज्ञ डॉक्टर बिठाएं। विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार चेक डैम बनाए जाएंगे। शुद्ध पानी की सप्लाई सभी गांवों में पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुजानपुर में मुख्यमंत्री का विशेष कार्यालय बनाया जाएगा जहां पर लोगों की समस्याएं शिकायतें सुनकर उनका वहीं पर समाधान किया जाएगा। सुजानपुर में कैंसर रोगियों की सुविधा हेतु केंद्र सरकार की सहायता से कैंसर संस्थान खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों के सहयोग स्वरूप ही शहर में बस अड्डे का निर्माण करवाया जाएगा। सुजानपुर में हमीरपुर की तर्ज पर रेड़ी फेड़ी धारकों के लिए पक्के खोखे बनवाकर दिए जाएंगे। सुजानपुर के चौगान को अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। टीरा में जो स्थानीय महल और किले हैं उनको पुरातत्व विभाग की सहायता से संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। सीवरेज सिस्टम यहाँ बनाया था लेकिन उसमें कुछ कमियाँ रही हैं, इसलिए सुजानपुर की सीवरेज प्रणाली को पुनः डिजाइन किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा पाइपलाइनों की जगह नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। आजकल नौजवानों को जो नशे की लत पड़ गई है और कुछ लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं, तो 24 घंटे हेल्पलाइन ऐसे पीड़ित युवाओं की मदद के लिए स्थापित की जाएगी। सुजानपुर से खनौली तक क्षेत्र में स्टोन दीवार, सुजानपुर के खनौली क्षेत्र में स्टोन की दीवार लगाई जाएगी ताकि ब्यास से पानी कृषि भूमि की ओर ना आए। बड़ी समस्या वहाँ पे है, ब्यास में जब ज़्यादा पानी आता है तो एकदम उधर आ जाता है खेतों में, तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर पत्थरों की दीवारें लगाएं ताकि ब्यास का पानी नदी में रहे, ताकि आवारा पशु कृषि क्षेत्र से दूर रहे। बंदरों और जंगली जानवरों के आतंक से निपटने के लिए विशेष कार्यदल टास्क फोर्स का गठन करेंगे। विद्यालय के समय के अनुरूप बसों का शुरुआत की जाएगी। सीएचसी सुजानपुर को हमने ही अपग्रेड करके इसका भवन समर्पित किया था, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो भाजपा सत्ता में आने पर यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों का भी प्रबंध करेगी। जहाँ जहाँ संभव होगा और आवश्यकता होगी वहाँ चेक डैम लगाए जाएंगे ताकि पानी का लेवल ऊपर आए। शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सभी गांवों को पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अब सरकार हमारी निश्चित तौर पर बनने वाली है, हमीरपुर में आपने देखा होगा कि जो खोखे लगाते थे, रेड़ी फड़ी लगाते थे, उनके हमने पक्की दुकानें बना के दी हैं, तो सुजानपुर में रेडी फड़ी वालों की जो समस्या उसका परमानेंट समाधान करने के लिए परमानेंट दुकानें बनाकर उनको आवंटित करेंगे ताकि इनकी समस्या का समाधान हो। किराया कम करने का प्रयास करेंगे। बस अड्डे की यहाँ समस्या है, उसको सबके इच्छा अनुसार आपस में बैठकर उसका समाधान करेंगे। बस अड्डे की समस्या का सुजानपुर में पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, तो पार्किंग का निर्माण करके निश्चित करेंगे कि
कि गाड़ियों को व्यवस्थित ढंग से पार किया जा सके। तो अब पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद घोषणा कर दी है, इसलिए एक मेरा परमानेंट ऑफिस सुजानपुर में ही स्थापित होगा।